डिवोर्स की खबरों पर भड़के राजीव, ट्रोलर्स पर निकाला गुस्सा, एक बार फिर अपनी मैरिड लाइफ पर बोले राजीव। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजीव सेन और चारु असोपा का डिवोर्स जल्द होने वाला है, ऐसी खबरें काफी टाइम से चल रही हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं है। एक तरफ जहां राजीव ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि चारू की पहली शादी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था और वो इसे जानकर शॉक्ड हो गए हैं, दूसरी तरफ चारू का कहना है कि राजीव को बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं और उन्हें ये बात पहले से ही पता थी। उन्हें उनकी पहली शादी के बारे में पहले से पता था और उन्होंने ही उन्हें मूव ऑन करने में मदद भी की थी। अब चारू और राजीव की तरफ डिवोर्स की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में राजीव का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। राजीव ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि देश में काफी कुछ ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है और ऐसे में आप उस पर ध्यान दें, ना कि मेरी फैमिली और शादी पर फोकस करें। साथ ही उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें ऐसे टाइम पर भी सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि साल 2019 में राजीव ने चारू से शादी की थी और साल 2021 में वो एक बेटी के माता पिता भी बने थे। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगी थीं। ऐसे में इनके झगड़े कई बार मीडिया में हेडलाइंस भी बने और छाए रहे। अब मामला इतना बढ़ गया है कि वो रिश्ते को खत्म करने पर आ गए हैं। बल्कि क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।